हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के बज गए 9:15 और मैं नहा कर आ चुकी हूँ। गाउन पहना हुआ है और धूप ही धूप हो रही है, धूप आ रही है देखो। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये सूखे टिफिन के लिए चिल्ला, सूजी और बेसन वाला। इसमें मैंने 2 छोटी छोटी प्याज और 3-4 छोटी छोटी हरी मिर्ची और लाल मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर, जरा सी हल्दी पाउडर डाल के और चिल्ले बना रही हूँ यीशु के लिए। और अभी दिन में बनाऊँ मैं दाल चावल, तो इसलिए आज मैंने सब्जी नहीं बनाई। और अभी मैं जस्ट नहा के ही आई थी, फिर ये भी नहाया आया। और आज कपड़े धोए नहीं क्योंकि आज है गुरुवार, तो बस ऐवें ही मेरे कपड़े मैंने पानी में से ही निकाले हैं। मैंने कहा ऐसे क्या छोड़ देंगे, गाउन वगैरह था तो मैंने पानी से ही निकाल के सुखा दिया है उसको। और बस अभी ये चिल्ले बना लूँ, तो आज पोछा भी नहीं लगाना है। और बस झाड़ू मैंने लगा रखी है, धूप देखो कैसे कैसे आ रही है। झाड़ू मैंने लगा रखा है सुबह का, पानी वगैरह भर लिया है, बर्तन पड़े हैं सिंक में, बर्तन साफ करूँगी देखो, और स्लैब साफ करूँगी देखो। अभी तो दूध भी आ गया, आज जल्दी आ गया दूध वाला। और बस अभी चिल्ले बना दूँ, एक और बनेगा, 2 तो बन गए। 2 1.5 यस्सू लेके जाएगा, 1.5 मैं खा लूँगी चाय के साथ में, और फिर बनाऊँगी मैं दाल चावल। तो अभी मैं करूँगी पूजा। मेरी शोके बन जाने गई ले गई रे दर्जी की, मेरी शोके बन जाने गई। ये बड़ा हो गया फ्रेंड्स, ज़्यादा था बैटर और मैंने सारा डाल दिया, तो देखो कितना पूरे तवे पे ही फैला दिया। ये मैं खा लूँगी, मैं 2 लेके जाऊँगा। 2 लेके जाएगा, ठीक है, तो 2 डाल दूँगी, ये एक मैं खा लूँगी। और अच्छे लगते हैं ये चिल्ले। और जुकाम वगैरह होती है ना, तो थोड़ा सा मतलब ऐसा चटपटा सा ही खाने का मन करता है जुकाम में, जुखाम कोल्ड में मेरे और यस्तु के दोनों के ही हो रही है। तो चलो इसको सिकने देते हैं सिम आँच पे, थोड़ा सा तेल और लगा देती हूँ किनारों पे ताकि ये अच्छे से सिक जाए। और यस्तु सॉस के साथ में लेके जाएगा पराठे को, सॉरी पराठा नहीं चिल्ला, सॉस के साथ में लेके जाएगा। और वो चिल्ले होते हैं ना, वो मीठे मीठे चिल्ले होते हैं, वो नहीं बनते मुझसे, फट जाते हैं। ट्राई करूँगी, वो मुझे बहुत पसंद है, पहले बचपन में बहुत खाते थे वो। उन चिल्लों से मतलब हमारे ना वो बना पूड़े बोलते हैं उनको हम, मीठे पूड़े। हमारे ना धोख वगैरह लगाते हैं माता मसाणी ऐसे कुछ पीहर में, तो वही चिल्ले ही बनाते थे मीठे वाले, तो वो बहुत अच्छे लगते थे। और अभी मुझसे बनते नहीं है, मेरा बड़ा मन करता है कि वो चिल्ले बना के खा लूँ, बनते नहीं है, टूट जाते हैं। एक बार ट्राई किया टूट गया, फिर मैंने उसके गुलगुले ही बना के बैटर को मतलब पूरा किया, बनते नहीं है। तो चलो बैग आ गया है यीशु का, टिफिन रेडी कर देती हूँ इसका डाल करके, टाइम 5-10 मिनट ही बच रहे हैं अभी। इसका और धूप देखो, गेट बंद कर जाना रे, वो डंडी घाल दो नीचे की, बच्चे चले गए हैं। और धूप देखो कितनी तेज है, अभी 9 बजे हैं, 9:15। छोटा है का क्लेश मतलब इतना ही? अच्छा हाँ, डबल है, डबल है। ये देखो डबल हाँ, या चैन बढ़िया है, या मतलब वैसे बड़ा कम खावा या चैन। और वो मेरे लिए मंगलसूत्र में नवा बड़ा खा जा है, जब थोड़ी सी मतलब वो अलग से लागने लग जाए, अच्छों को लागने और चेंज करवा भी आऊंगी, चेंज चेंज और क्या, तो चैन तो लग जाएगी दूसरी, या चैन बढ़िया है या बड़ा कौन खावा है, लटक तो रहो ना नीचे, वही सही है, वो बड़े खा के। और लेकिन आपके तो वो लग रहे हैं ना सोने की मोती, तो इसमें लगवा लाऊंगी मोती। हाँ इसमें तो लग सकते हैं, इसका ये कर दे, वो बीच में दो फाड़ के पूछ लूंगी ना, सुनार लेके जाऊंगी।
सुनार के पूछ के भी आएंगे ऐसा मंगलसूत्र कितने में बन जाए, सिर्फ ये लॉकेट लॉकेट बना तो इसमें हाँ यो ही तो बनाया है तो लॉकेट ही बनाया वो सोने को या तो चैन तो आगे की 150 रुपया में ले लेंगे ये लॉकेट ही बनाएगा बस वो नाम नाम लिखे जाऊंगा वही तो 50 में भी नहीं आएगी 10-20 रुपए में ना 10-20 में तो कौन आओ हमारा तो दे देता है मैं अगर वाक लेके डेढ़ संभाल के दी थी मेरी तो आपके बढ़िया साइज है वो मोटे होंगे फुर फुर करते है छोटी सी है या तो बच्चों है शायद गेट खुली है ना उसमें से आ गई जाली अभी खुली है बंद नहीं करी निकल जा निकल जा निकल जा सिद्धो तो है रस्तो खुला दिख रहा है कितना तो खोल दिया भाई तेरे लिए ठीक है मैं कभी जास का है पंखे आड़ा मैं कभी कड़े गई या बैठ की रह सकती पंखे पे यार ये चलो बगाते हैं इसको चलो एक बार वो पंखे पे बैठा है एक बार इस पर आ जा है क्या पर आ गई देखो स्लैब साफ कर दिया मैंने बर्तन भी धो दिए अभी पूजा करनी है चिड़िया को भगाते हैं पहले तो हम देखिए फ्रेंड्स पूजा हो गई है हमारी और ये देखिए बत्ती तो जल ली है क्योंकि मैं बाहर भी पूजा करने लग गई थी इतनी देर में ही जलकर बंद हो गई और ये धूप पहले ही जला दी थी देवर जी ने और यहाँ पे मैंने दही का मिश्री का भोग लगा दिया लड्डू गोपाल जी के और आज पहनाए हैं पीले पीले वस्त्र क्योंकि आज गुरुवार है और अभी मैं भी येल्लो ही साड़ी पहनूंगी और उससे पहले मैं बनाऊंगी चाय तो चलिए किचन में तो अभी मैं बनाऊंगी चाय और चाय के साथ में खाएंगे एक चिल्ला भूख लग रही है मुझे उससे पहले ना मैं दाल भिगो देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा भीग जाएगी ना दाल तो अच्छी बनती है सही बन जाती है भिगोने के बाद में दाल चावल बनाऊंगी बहुत ही मुझसे खाई बहुत पसंद करती हूँ दाल चावल और आज एक पापड़ भी सेकूंगी भूल जाती हूँ हर मतलब ऐसे सोचती हूँ कि एक पापड़ सेकूंगी साथ में खाऊंगी तब और फिर खाने बैठती हूँ ना भूल जाती याद ही नहीं रहता तो दाल भिगो देते हैं मिक्स दाल है देखिए हमारी मिक्स दाल ही बनाती हूँ मैं मिक्स ही अच्छी लगती है देखो अभी लाई थी मैं थोड़े दिन पहले ही ये दाल और ये काफ़ी दिन चलेगी मेरे क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाते ना हम कभी कभार ही बनाती हूँ हर रोज़ डेली में नहीं बनती दाल मतलब 5-6 दिन हो गए शायद बनाए हुए दाल अब सी बनाई नहीं है तो मैंने कहा चलो दाल बना देती हूँ और वैसे भी ताऊ जी तो सब्जी फिर खाते भी नहीं है आलू गोभी गाजर मटर इस टाइप की सब्जियाँ खाते नहीं हैं तो फिर मैं उनसे ना ताऊ जी वाला भी थोड़ा वो हो जाता है कि क्या बनाऊँ कि ताऊ जी भी खा लें दाल कढ़ी ऐसी चीज़ तो फिर भी खा लेते हैं नहीं तो फिर चटनी या फिर दूध रोटी यही खाते हैं तो भिगो दी है यहाँ पे दाल तो बस ये भीग जाएगी तब तक हम अपना चाय बना लेते हैं और नाश्ता पानी कर लेते हैं दूध गर्म चढ़ाऊंगी और फिर मिलूंगी आपसे बाद में ठीक है तो जी देखिए यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली है और अपना कर लेती हूँ छोटा सा मेकअप सेकअप जो मैं डेली में ही करती हूँ तो येलो कलर की साड़ी पहनी है क्योंकि आज गुरुवार है इसलिए तो बस बाल वगैरह कंघी कर लिए हैं और बिंदी सिंदूर कर लेते हैं बस यही करती हूँ मैं इतना सा ही तो अभी
काम मेरे हो ही चुके हैं। बस थोड़ी सी मतलब दो चार रोटी ही बनानी है, सॉरी रोटी क्या दाल चावल बनाने हैं। काम हुआ कहाँ है अभी तो भूल गई थी मैं, तो अभी दाल चावल बनाने हैं मुझे, तो बस उसके लिए मैं हो गई हूँ रेडी। तो देखिए साड़ी पहन ली है तो इस पे थोड़ा सिंदूर लग गया था, और आजकल सूखा सिंदूर ही लगाने लग गई हूँ मैं, डेली में वही लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्वेटर पहन लेती हूँ क्योंकि ना भाई ठंड लगती है मुझे किचन में। तो यहाँ पे देखिए किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे मैंने दाल तो पहले ही भिगोया हुआ था, तो अभी छोंक देती हूँ, इंस्टेंट दाल बनाती हूँ मैं। एक प्याज, दो तीन हरी मिर्च और एक टमाटर डालूंगी इसमें। और बस अभी फ़ोन आ गया था बीच में, तो अभी बस मैं ये कट कर ले रही हूँ, तो कट कर लेती हूँ इनको और फिर बस छोंक दूंगी और सीटी लग जाएगी। और पहले उबाल के और फिर बाद में छोंकते हैं, वैसे भी बन जाती, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि फिर मैं कहीं चली गई थी, फ़ोन आया था ना अभी बीच में, तो कहीं जाने का ऑर्डर हुआ था, तो फिर मैं आई तो थोड़ा लेट हो गया था। तो मैंने कहा जल्दी से इंस्टेंट वाली दाल बना लेती हूँ। मैंने जैसे ही गैस ऑन किया तो फ़ोन आ गया था, तो फिर मैं चली गई थी बंद करके जब की जबी, और अभी फिर से आ करके मैंने स्टार्ट किया अपना काम। तो यहाँ पे दाल वैसे तो भिगोई हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आधा घंटा तो लग ही जाता है, सीटी लगेगी और फिर उसकी सीटी निकलेगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाए। मुझे ताऊजी की ही थोड़ी वो रहती है, मुझे तो फिर भी इतनी ज़्यादा भूख नहीं रहती क्योंकि मैं तो कुछ चुटर पुटर सा खा भी लेती हूँ और ताऊ जी कुछ खाते नहीं हैं, तो फिर मुझे थोड़ा ये हो जाता है कि उनको भूख लगी आई होगी, तो इसलिए भी थोड़ा मुझे ऐसे मतलब जल्दी से हो जाता है कि भाई खाने का टाइम हो गया, तो इसलिए। तो बस अभी मैं इसमें सूखे मसाले डाल दिए हैं और टमाटर वगैरह एकदम से वो हो गया है मैस, तो अभी इसमें दाल डाल दी है मैंने और पानी डाल दिया जितना डालना था। तो बस इसके 3 सीटी लगवाऊंगी मैं और फिर बंद कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं आटा भी छान कर ले आई हूँ, तो यहाँ पर आटा लगा लेते क्योंकि ताऊजी चावल नहीं खाते हैं, मैं और यसुई खाएंगे चावल, तो मैं तो यहाँ पर मैं आटा लगा लेती हूँ अपना भी, थोड़ा सा ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बोल तो रही थी लेकिन फिर मैंने बात को मतलब कट कर दिया, मन नहीं किया कि आपके साथ में शेयर करूँ, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे ना आटा अभी हो जाएगा मेरा तैयार, तो सीटी वैसे तो लग चुकी है, लगी नहीं है मतलब लगने वाली है। तो यहाँ पे देखिए अभी दाल मेरी बन चुकी थी, तो यहाँ पे मैं चढ़ा देती हूँ चावल। चावल मैंने कुकर खाली कर लिया है दाल वाला, तो चावल अभी मैं ले रही हूँ इससे, गिलास के साइज से बनाती हूँ, गिलास के हिसाब से मतलब मैं तो 1 गिलास का 2 गिलास पानी लेती हूँ मैं, तो उसी हिसाब से बनाती हूँ। तो मैंने 1.5 गिलास चावल बनाए थे, तो अभी भी खा लेंगे हम दोनों माँ बेटा दिन में भी, और रात में फिर मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो मैं जब भी चावल बनाती हूँ तो मैं हमेशा ज़्यादा ही बनाती हूँ ताकि बच जाएँ और फिर मैं फ्राई करूँ, तो अच्छे लगते हैं मुझे और यसु दोनों को ही फ्राई राइस, और फिर मैं दही के साथ में खाती हूँ तो बड़े मज़े ही आ जाते हैं, तो फिर मुझे तो रोटी सब्जी कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटियाँ सेकने लग गई हूँ, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं और दाल मैंने निकाल दी थी इसमें भगोने में, तो ताऊ जी को मैं खाना डालने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस अभी मैं भगवान जी के तो भोग लगाऊंगी मैं चावलों से ही, तो इसलिए रोटी तो भगवान जी की चढ़ाई नहीं थी, गाय माता की निकाल दी थी, और ताऊ जी की बनाऊंगी 3-4 रोटी और बस इतनी ही बनाई थी। अपनी थाली ले आई हूँ, चावल है, एक पापड़ है, दाल है और यहाँ पे एक प्याज है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए दाल चावल, माय फेवरेट, मैं खा लेती हूँ, भूख भी लग रही है और टाइम भी हो गया है, 1 बज गया है। तो और ये है शक्कर डाल के लाई हूँ, मतलब लाई क्या, ये भगवान कुछ लगाया था भोग, तो ये मीठे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ही खा लेती हूँ क्योंकि ये सुबह नहीं खाता, तो इसलिए। तो ये भगवान जी को भोग लगाए हुए चावल हैं, तो ये भी मैं खा लूँगी, इसमें गुड़िया शक्कर डाल के लाई थी मैं, तो आप लोग भी खा लो, आ जाइए जी लंच कर लेते हैं। दाल चावल मेरे फेवरेट है, अच्छे लगते हैं।
स्वेटर तो टांग देगी क्या उधर सी? वहां टांगेगी राधे कृष्ण हरे गोविंदा। देखिए फ्रेंड्स पीसना दो तो दिए थे मैंने, इनको छाड़ लूंगी, थोड़ा बहुत कचरा निकलेगा साफ करके इसमें भर दूंगी कट्टे में और फिर डाल के आऊंगी चक्की पे। और चाय वाय पी लिया मैंने सांभरा बना करके और बस नहीं गिरेगी बस। और बर्तन भी धो लिया इतना चाय के, बस अभी मुझे गेहूँ ही साफ करने हैं, फिर मुझे वो लाने जाना है बेर सेर लाऊंगी क्योंकि कल ना शिवरात्रि है, वहाँ शिवरात्रि जो कल बच्चों की छुट्टी है शिवरात्रि की, तो अभी कर लेती हूँ मैं पीछना साफ। ये पूरा करना देखो मोटा इतना गिरा वैसे तो छानने में, शाम के 5 बजे होने सही नंबर ही गए हूँ 5। तो अभी इस वीडियो का भी एंड कर देती हूँ यहीं पे, ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है काम काम के चक्कर में, ठीक है फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अच्छा लगा हो बाय 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 बाय। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट भी करते जाना एक अच्छा सा प्यारा सा। ठीक है, चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।